जय हिंद दोस्तों, मैं अभी प्रयागराज जलवा में हूँ। इंडियन ऑयल गेट नंबर 1 के सामने यूनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जस्ट किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। जैसे कि आप ठेला बनवाते हैं या फिर स्टील से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनवाना चाहते हैं, जैसे कि आप फास्ट फूड का शॉप ओपन करते हैं या फिर आप रेस्टोरेंट के लिए, बैंकेट हॉल के लिए आप स्टेनलेस स्टील का सारा काम करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हो जाती है। बाकी हम चल के डायरेक्ट सर से बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से काम होता है। जैसे कि कस्टमर के डिमांड के हिसाब से वो स्वयं से डिजाइन करके देते हैं, तो हम चल के डायरेक्ट सर से बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, मैं अभी इधर से गुजर रहा था तो आपका देखा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि एक नया बिजनेस आइडिया भी है और लोग चाहते हैं कि फास्ट फूड का शॉप ओपन करें या ठेला बनवाए स्टेनलेस स्टील का, तो ये चीज़ें बहुत मार्केट में डिमांड है। तो हम चाहते हैं कि चल के अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा हमें बताएं और क्या इससे लोग अपना जो है बिजनेस करना चाहते हैं तो स्टील का सोचते हैं, क्योंकि इसमें स्टाइल भी एक अच्छा होता है, लुक भी इसमें साफ सुथरा होता है। तो जैसे कि ये सर सामने आपको पड़ रहा है, तो किस चीज़ के लिए बना है? केक पेस्ट्री के लिए है। केक के लिए? अच्छा, जो बेकरी का आप उस बिजनेस करना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए, तो उसी तरीके से सर ने डिजाइन भी किया कि जैसे केक होता है कई सारा, उसमें ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसमें सर जैसे क्या होता है केक के लिए एसी की मतलब ठंडक के लिए जरूरी है, तो वो सारी चीजें इसमें फिट है। तो ये जो साइड हैंड आपको दिख रहा है इसी से मतलब वो ठंडक होती है, तो समझ सकते हैं यहाँ पे जैसे केक के लिए आप अगर शॉप ओपन कर रहे हैं तो सारी आपको फैसिलिटी एक ही काउंटर में मिल जाता है, जिसमें आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। ठंडक के लिए एसी भी इसमें लगा हुआ है, बाकी आप इसमें लाइटिंग की व्यवस्था अलग से भी करा सकते हैं। क्यों सर? लाइट वगैरह सब कुछ लगा के इसके लिए? हाँ, मतलब यहाँ पे आपको सब कुछ ए टू जेड कम्प्लीट मिलता है। और बाकी और सर सारे यहाँ प्रोडक्ट है, जैसे कि छोटा सा ये रेस्टोरेंट के लिए बनाया गया है। अच्छा, ये स्पेशली रेस्टोरेंट के लिए होता है, छोटा स्पेस के लिए जैसे फास्ट फूड के लिए होता है? कस्टमर के डिमांड पे ये बनाया गया। अच्छा, कस्टमर के डिमांड है, ऑलरेडी बिक चुका है, कस्टमर का डिमांड था मुझे छोटे पीस में चाहिए, तो सर ने छोटे से बनाए। और ये सर जैसे कि ये बनाया हुआ है, इसका क्या है? ये गोल्डन सीट में है, ये एसी में भी बन जाएगा, नॉन एसी में मिल जाएगा, जैसा जैसा आदमी कस्टमर का जो डिमांड होगा उस हिसाब से। अच्छा, एक गोल्डन सिटी से कहते हैं। और मिष्ठान के लिए? के लिए केक पेस्ट्री के लिए है। अच्छा, मीठे के लिए? उसके बाद केक के साथ अगर लेना चाहते केक के लिए भी है। अच्छा, देखने में लुक भी बहुत गजब का है, बाकी अभी और अच्छे तरीके से मॉडिफाइड किया जाएगा उसके बाद। एक कस्टमर डिमांड होगा, नाम लिखा जाएगा, अच्छा फोटो लग जाएगी। अच्छा, जैसे कि कस्टमर का जो डिमांड होता है, जैसे कि अपना नाम दिखाना चाहते हैं और उसमें डिजाइन कराना चाहते हैं, लाइटिंग की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो तरीके से आपको डिजाइन का व्यवस्था भी करके दिया जाता है। जैसे कि कोई क्या होता है अपने नाम से फास्ट फूड का शॉप ओपन कर रहा है या फिर अपने नाम से रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है या मिष्ठान के भी शॉप ओपन कर रहा है, तो वहाँ अपने नाम से वो डिजाइन करवा सकता है, तो सर डिजाइन करके भी देते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बने हुए हैं, तो सर जितने अभी हमने बना के रखा है, तो क्या कस्टमर आपको ऑर्डर आया है पहले से आप बना के रखते हैं? सब ऑर्डर पे ही बनते हैं। अच्छा, ये सब ऑर्डर पे है? सारा काम ऑर्डर पे। अच्छा, मतलब एक कस्टमर का डिमांड है जो जो आपका बन के रखा हुआ है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख रहे हैं और ये सब कस्टमर के डिमांड के हिसाब से बनाया गया है, अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक अलग डिजाइन में मिल जाता है, जैसे कि आप मीठे के लिए देख रहे हैं, इसमें ऑलरेडी सर ने लगा भी रखा है और इसमें मीठे के लिए बना है यूनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऐसे इतना आपको सर्टिफाइड कंपनी है। और सर का मोबाइल नंबर भी इसमें शो हो जाता है, बाकी मैं सर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। बाकी आप देख पा रहे हैं यहाँ केक के लिए स्पेशली बनाया गया, गोल्डन के लिए गोल्डन सीट है, ये गोल्डन सीट है, देख पा रहे हैं इसमें जैसे कि सर ने आगे भी दिखाया था, ये गोल्डन सीट है, केक के लिए स्पेशली कस्टमर के डिमांड के हिसाब से बनाया गया सर। जरूर सर। और अच्छा, जैसे कि इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, कोई एमबीए जूस वाला बना रहा है, कोई प्रयागराज जूस वाला, इलाहाबाद जूस वाला, तो देख सकते हैं, तो उसी हिसाब से सब डिजाइन करके यहाँ पे बना के रखे हैं। कोई भी जूस का शॉप ओपन करना चाहता है तो यहाँ पे आपको डिजाइनिंग भी मिल जाती है, और आप चाहते हैं तो उसको एक जगह से दूसरे जगह साइड भी कर सकते हैं इस तरीके से।
कोई दिक्कत नहीं होता कि आप कहीं एक जगह ले जाना चाहते हैं या दूसरी जगह करना चाहते हैं तो आसानी से वो हो जाता है। मतलब उसमें वो सारे फैसिलिटी सर दिए हैं। अगर एक बार आप ये ओपन करते हैं और आपको दिक्कत होती है कि रोज आप बाहर करना अंदर करना, तो उसमें वो सारी चीज़ें व्यवस्था लगी हुई है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। और इसमें जैसे किसी कस्टमर डिमांड होता है कि हमारे नाम से आप ओपन करके दीजिए, तो इसमें वो डिजाइन भी आप करके दे सामने यहाँ पे फल लगाने। अच्छा, ये फल फ्रूट के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, बाकी अगर वो चाहता है अपने मन के हिसाब से तो यहाँ पर लिख के भी दे सकते। अच्छा, देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे जो कस्टमर था उनका कहना था कि मेरे आप एक अच्छे से जूस के वो हमें बना के दीजिएगा, तो सर ने लगा के रखा है। उसके अलावा अगर कस्टमर का डिमांड होता है कि हमें अच्छा से मेरे नाम के बना के दे तो आप वो भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास कोरियन के काउंटर मिल जाएंगे। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं सर? ये कोरियन काउंटर बोला है और ये देखने में बहुत स्टाइलिश भी लग रहा है सर, बहुत डिजाइनिंग भी इसका बेटर है। फ्रंट ओपनिंग है, फ्रंट से भी खुलता है, बैक से भी खुलता है। अच्छा, तो जैसे क्या होता है कि जब सामने लगाया जाता है तो कभी कभी धूल उसमें पड़ जाता है, गंदगी हो जाती है, तो इसको ओपन करके आसानी से साफ सुथरा भी कर सकते हैं, इसलिए लगाया गया है। क्यों सर? तो आप देख पा रहे हैं ये भी गोल्डन कलर में है और ये मिष्ठान भंडार के लिए है। एक टेस्टी मिठाई कहीं भी लगा सकते हैं आप। अच्छा, तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं सर, आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि केक पेस्ट्री के लिए है, केक पेस्ट्री लगाइए, मिठाई की दुकान में लगाइए, जरूर रेस्टोरेंट में लगाइए, कैफे में लगाइए, कहीं भी लगाइए सर। अच्छा, मतलब कहीं भी अगर कस्टमर की डिमांड है उसको लगता है कि ये बेटर है तो लगा सकते हैं। अगर सर एक बार खोलने की अगर हम कोशिश करके आसानी से खोल सकते हैं आराम से, ये आगे तो आप थोड़ा दिखाएं हमारे कस्टमर को, इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर कस्टमर खोलना चाहे तो आसानी से इसको खोल भी सकता है और इस तरीके से यहाँ पे सफाइयाँ भी वो कर सकता है, इस तरीके साफ सुथरा करके यहाँ से भी इधर से भी आगे पीछे दोनों साइड से आप इसको साफ कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। इतनी अच्छे का आप दो लोग साइड साइड खड़े थे या फिर आप चाहें तो यहाँ बीच से भी आप उठा के अच्छी तरीके से सफाई। तो सर जैसे कि एक कांच है कभी कभी टूटने का कोई दिक्कत नहीं होती? टफन ग्लास होता है, कच्चा कांच नहीं। अच्छा, एक कभी मतलब टूटने का कोई ऐसा नहीं रहता? तो मतलब जैसे कि मैं साइड से अकेले उठाऊं क्या कोई दिक्कत नहीं? उठा के दिखाइए सर, जैसे कि देख पा रहे हैं सर अकेले ये उठा रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही कि इसमें कि टूटने का डर हो जाए या फिर गिरने का, अकेले भी साफ करके वो अपना काम कर सकता है। ये अपना मिरर में है, ये भी केक पेस्ट्री मिठाई के लिए कहीं भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये मिरर में है सर? हाँ, मिरर पीस है। हाँ, इसमें क्या? अच्छा, खुलने वाला है आगे से। अच्छा, ये भी आगे खुल जाता है जैसे कि देख पा रहे हैं। ये भी सर ये थोड़ा उससे छोटा में है ना? हाँ, ये 4 फीट का है, वो 5 फीट का है। हाँ, तो देख सकते हैं मतलब ये कस्टमर के डिमांड के हिसाब से 4 फीट 5 फीट के हिसाब से बनाया गया। ये भी ओपन हो जाता है, कोई भी कस्टमर खोलना चाहता है तो इसे गैस खोल के आसानी से साफ सुथरा करके फिर उसको पैक कर सकता है। ये चीजें भी है। तो सर जैसे कि आपने कई सारी चीजें हमको बताई आपके प्रोडक्ट बारे में, बट ये नया कुछ चीज देखने को हमको लग रहा है, तो ऐसा क्या है सर इसमें? ये वेस्टर्न कंपनी का डीप फ्रीजर है। अच्छा, कस्टमर के ऑन डिमांड पे आया है ये, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से ये रेफ्रिजरेशन जिसे कहते हैं। हाँ, रेफ्रिजरेशन है, फ्रीजर है। तो इसको हमको हमारे कस्टमर को दिखाएंगे सर खोल के? नहीं। सर हाँ, क्योंकि हमारे कस्टमर की डिमांड होता है देखने के लिए कि क्या ऐसी प्रोडक्ट है ताकि उनका भी मन हो लेने के लिए तो ले सके सर। ओ भाई साहब, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे इतनी बड़ी सी फ्रिज है जिसमें प्रोडक्ट क्या होता है कि कस्टमर लेना चाहता है और उसको अपने प्रोडक्ट को रखना होता है। कभी कभी क्या होता है शाम के टाइम बच जाता है या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ठंडे माहौल में रखना चाहिए, उस चीज़ के लिए देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ये डिफ्रीजर लगा हुआ है। जो पैकिंग है अभी देख पा रहे हैं इस तरीके से पैक हुआ है क्योंकि कस्टमर का डिमांड था इसको लेने के लिए, तो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से आप देख पा रहे हैं सर ने ये मंगाया हुआ है और इसको पैकिंग भी कर चुका है, बट इसको भिजवाना है मतलब जो कस्टमर है उसका ये भी है प्लस साथ में ये भी उन्होंने बनवाया है, तो दोनों एक साथ में जाना है। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं। और जैसे कि कंपनी की बात करें तो कस्टमर का जो डिमांड था तो इस कंपनी का था, वेस्टर्न कंपनी का डिमांड था कि मुझे वेस्टर्न कंपनी का रेफ्रिजरेशन चाहिए, तो सबने वो चीज़ें उनको मंगवा कर देते भी, ये भी फैसिलिटी यहाँ पर दी जाती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब एक जगह आई पे आपको सारी चीज़ें वो मिल जाती हैं जिससे आप रखना चाहते हैं अपने सामान को सेफ रखना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसकी अपने पास एजेंसी भी है। अच्छा सर, इसका मतलब है एजेंसी आपके पास? हाँ। समझ सकते हैं वेस्टर्न कंपनी की अगर फ्रिज आप लेना चाहते हैं तो सर के पास इसकी एजेंसी है, तो आप छोटा बड़ा इससे बड़ा ले सकते हैं। तो मिल जाएगा सर, पहले हम इसकी बात करते हैं, इसमें कितना मतलब अमाउंट में रख सकते हैं? ये आपका जो है 475 लीटर का है। 475 लीटर का? 225 भी आएगा, 300 आएगा,
जरूर 500 आएगा इससे, 5 मतलब हमने भी सुना था सर 500 लीटर का मैक्सिमम होता है, सबसे बड़ा वही होता है, उसके ऊपर भी अगर 575 से प्लस नहीं। अच्छा 575 के ऊपर नहीं आता, 575 लीटर के नीचे अगर आप लेना चाहते हैं या फिर रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड आपको कुछ लेना चाहते हैं सर, पास एजेंसी है आप कहिए तुरंत आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाता है। बाकी अपने पास डीप फ्रीजर भी है, डीसी कूलर भी मिल जाएगा जी। अभी ये 200 लीटर का है, 250, 300, 500 लीटर तक, 600 लीटर तक आता है। अभी सिंगल डोर है, डबल डोर भी आएगा इसका भी अपने पास। अच्छा तो जैसे होता क्या कि स्पेस कभी कभी कम होता है तो इसके लिए लोग रखते हैं क्यों सर, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस बचा है तो अपनी लंबाई के हिसाब से ऊपर तक ऐसे करा सकते हैं, अपने डिमांड के हिसाब से मंगाया। तो ये भी वेस्टर्न कंपनी का है तो एजेंसी में आपके भी काफी पड़ा है, तो उसमें सर डबल डोर का भी आता है, डबल डोर का वो भी है अवेलेबल है। तो समझ सकते हैं आपको अगर रेफ्रिजरेशन 500 लीटर 570 लीटर या उससे भी कम लेना तो आपको भी मिल जाता है, साथ साथ आपके कस्टमर की डिमांड के हिसाब से सर ये भी अवेलेबल कराते हैं। ओके अब हम चल के डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मिलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस टाइप से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारी चीज़ें बनी हुई है और सब ने दिखाया भी काफ़ी चीज़ें, चल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे सर के पहुँच चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी तक अभी आप सभी को प्रोडक्ट हमने दिखाया है और यहाँ पे सर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जाती है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारा जो रिप्लेस होता है मतलब पहले से कस्टमर यूज करता है तो उनके काम के नहीं होता तो रिप्लेस करके नया भी अपने हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं क्यों सर। तो यहाँ पे जैसे कि अभी बहुत सारे आपके ऑलरेडी पहले हमने दिखाया था बना हुआ था, तो यहाँ पे जैसे बहुत सारा बना हुआ है तो क्या सर ये भी कस्टमर की डिमांड के हिसाब से? सब डिमांड पे है, सब ऑर्डर पे है। अच्छा सब ऑर्डर पे है सर। तो जैसे बना हुआ था किस लिए बना हुआ, जैसे कि ये बना है काउंटर के लिए है, क्या होता है सर इसमें? ये सर साउथ इंडियन के लिए है अपना, साउथ इंडियन जो फास्ट फूड होता है। एक सबसे भी कह सकते हैं जो डोसा बनता है तो डोसा के लिए भी यहाँ पे मिल जाता है, बाकी यहाँ पे चाइनीज यूनिट के जो होता है तो अलग से टाइप से। चाइनीज का है? अच्छा वो भी चाइनीज का है, चाइनीज फूड है ये, चाइनीज फास्ट फूड है। अच्छा साउथ इंडियन फास्ट फूड है, तो मतलब यहाँ पे आपका सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है और यहाँ पे ऑलरेडी जो कस्टमर का डिमांड था वो यहाँ पे बन के रखा हुआ है। और अपना है चाट, चाट फुल्के के लिए है। अच्छा दोस्तों आप देख पा रहे हैं अभी कई सारा हमने आपको सर के शोरूम में दिखाया कि बन के रखा हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे भी कई सारा बना हुआ है और कस्टमर के डिमांड के हिसाब से यहाँ पे बन भी रहा है। और देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो सर की लगी हुई है आपको इस तरीके से प्रॉपर दिख भी जाता है। तो सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपके यहाँ पे गाड़ियों का भी, तो गाड़ियों का भी सारा आप डेकोरेट करते हैं जैसे फास्ट फूड वैन वगैरह बनाते हैं हम लोग, रेस्टोरेंट का काम है। अच्छा मतलब जो रेस्टोरेंट, हाँ चलता फिरता रेस्टोरेंट कह सकते हैं कि वहाँ पे मतलब आप कहीं भी ले जाके और अपना स्टार्ट कर दिए। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे फिक्स होता है जो फिक्स शॉप रखते हैं, बट कई जगह पर होता है कि अपना चलता फिरता वो अपना रेस्टोरेंट लेके चलना चाहते हैं। रीजन क्या है कि कभी कभी मेला वाला पड़ता है, सब मेले में जो हम महीने में कमाई करते हैं वो एक दिन में कमाई हो जाता है, ये बात होती है। तो इसलिए देख रहे हैं कस्टमर की डिमांड के हिसाब से यहाँ पे गाड़ियों का मॉडिफाइड भी किया जा रहा है, गाड़ियों में भी रेस्टोरेंट एक फिक्स किया जा रहा है और इसमें भी आप चलता फिरता अपना रेस्टोरेंट बनवा सकते हैं, चाहे सर अच्छा हो इलेक्ट्रिक रिक्शा में हो, चाहे फोर व्हीलर में हो या फिर कस्टमर की डिमांड हो, चाहे जिस गाड़ी हो, गाड़ी जैसे कहेंगे वैसे बन जाएगा। अच्छा जैसा कस्टमर की जैसा चाहता है वैसा बन जाता है। तो जैसे कस्टमर के कुछ कस्टमर होते हैं कि सर मुझे सब कुछ आप ओके कराइए मैं पेमेंट दूंगा, तो गाड़ी भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो समझ सकते हैं यहाँ पे सारी फैसिलिटी आपको मिल जाए, बस आप पैसा फेंकिए तमाशा देखिए एक सीट हो जाता है। और अपना एक्सचेंज का भी काम होता है, मतलब एक्सचेंज आपको पुराना काउंटर है आप भेज भी सकते हैं हमारे यहाँ पे, नया ले सकते हैं, ये भी सुविधा हमारे यहाँ। अच्छा जैसे क्या होता है कस्टमर बहुत टाइम से यूज कर रहा है वो चीजें मतलब देखने में ओल्ड लगने लगता है, तो चीज वापिस करके उसके हिसाब से अपने नया डिजाइन कस्टमाइज करके। अच्छा तो समझ सकते हो जो पैसा आपका पुराने का होगा उसको काट के आपको नया बना दिया जाता है। बाकी सर का ऑफिस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सर का ऑफिस भी बना हुआ था, हम ऑफिस का विजिट कराते हैं और वहाँ भी दिखाते हैं, जैसे जो कस्टमर आना चाहते हैं तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आके देख ले, उसके बाद यहाँ पे ऑफिस में विजिट ऑफिस में भी बैठ के अपना सारा चीज डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर ने सारा सिक्योरिटी बेसिस भी कैमरे लगा रखा है कि कोई भी कस्टमर शॉप पे आ रहा है या फिर यहाँ पे आ रहा है तो प्रॉपर यहाँ पे सारी चीजें देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सर का अपना ऑफिस है जहाँ पे आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो सारी चीजें आपको मिल जाती है। बाकी अगर किसी कस्टमर का लेना होगा तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अगर कस्टमर के डिमांड होगा कहीं पे
डिलीवर करने के सुविधा चाहिए तो सर वो भी डिलीवर कर देते हैं क्यों सर? हाँ, उसके साथ साथ आप हमारे YouTube के थ्रू आते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगी क्यों सर? अगर आप आएंगे वीडियो दिखाएंगे सर मैं इस वीडियो के थ्रू आया हूँ तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको फैसिलिटी भी अच्छी मिल जाती है। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।